हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस विद द एग्जाम एकेडमी। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज को, और जानते रहिए ये हमारा करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 8 है, जिसमें अगेन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे वन बाई वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस दिवंगत सिंगर के सम्मान में डाक टिकट जारी करने का फैसला फरवरी 2022 में किया है। तो जानते रहिएगा केंद्र सरकार ने जिस दिवंगत सिंगर के सम्मान में डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है 2022 में, वो हैं लता मंगेशकर जी। और लता मंगेशकर देखिए आए हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए बी में आए हैं, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य में स्थित सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया, जिसे पहले जवाहरलाल नेहरू मार्ग से जाना जाता था। तो जानते रहिएगा जिस राज्य में सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क का नाम नरेंद्र मोदी रखा गया, जिसका नाम पहले क्या था, जवाहरलाल नेहरू मार्ग था, ये जानते रहिएगा जिस राज्य में है, वो राज्य है सिक्किम। और सिक्किम देखिए है ऑप्शन नंबर बी में आया है, तो हमारा यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हम यहाँ पे थर्ड नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक देखिए आया है 1.47, मतलब यहाँ पे 1.47 क्या है 47 लाख बच्चों ने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं। ये कौन, किसने ये रिपोर्ट जारी की है? तो जानते रहिए ये जो रिपोर्ट जारी किया है वो किया है NCPCR, और NCPCR देखिए ऑप्शन नंबर बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमें अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर्थ नंबर, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो जानते रहिए झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के जो रख दिया गया है वो रख दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे फिफ्थ नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत ने किस पड़ोसी देश में देखिए है 99 आया है ऑयल टैंक बनाने का फैसला किया है। तो जानते रहिए भारत ने जिस पड़ोसी देश में 99 ऑयल टैंक बनाने का फैसला किया है वो है श्रीलंका। और श्रीलंका देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहां पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाते हैं सिक्स नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिन डी गवॉक चंद्रचूड़ ने जनवरी 2022 में भारत के किस राज्य में पेपरलेस ये इंपॉर्टेंट है पेपरलेस हाई कोर्ट का उद्घाटन किया। तो जानते रहिएगा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने जनवरी 2022 में भारत के जिस राज्य में पेपरलेस हाई कोर्ट का उद्घाटन किया है वो है केरल। और केरल देखिए है ऑप्शन नंबर बी में आया, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे सेवन नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के पहले राज्य का नाम बताइए जो पूरी तरह से LPG सक्षम और धुआं मुक्त हुआ है। तो जानते रहिए भारत का वह पहला राज्य जो पूरी तरह से LPG सक्षम और धुआं मुक्त हुआ है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे एट्थ नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो जानते रहिएगा ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का चेयरपर्सन जिसे नियुक्त किया गया है वो है शशि सिन्हा। और शशि सिन्हा देखिए हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे नाइन्थ नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो जानते रहिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे शॉर्ट में हम ILO कहते हैं का महानिदेशक मतलब DG जिसे बनाया गया है वो है गिल्बर्ट हैंगबो देखिए हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे टेंथ नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी किसे बनाया गया? तो जानते रहिए मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी जिन्हें बनाया गया है वो हैं सिहासी टेकुची। और सिहासी टेकुची देखिए हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा अगेन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 11 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार धाम प्रोजेक्ट की हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो जानते रहिएगा चार धाम प्रोजेक्ट की हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी का जो चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया है वो हैं
ए के सिकरी, और ए के सिकरी देखिए हैं ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 12th नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन चुने गए हैं। तो जानते रहेगा ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष जो प्रबंधक जो निदेशक जो चुने गए हैं वो हैं रंजीत रथ, और रंजीत रथ दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे यहाँ पे 13th नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो जानते हैं कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अजय भूषण पांडे, और अजय भूषण पांडे दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ बी में, तो हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 14th नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं। तो जानते रहेगा एयर इंडिया के जो नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं वो हैं एन चंद्रशेखर, और एन चंद्रशेखरन देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आए हैं, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे यहाँ पे 15th नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो जानते रहेगा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के जो नए चेयरमैन बने हैं वो हैं देवाशीष पांडा, और देवाशीष पांडा देखे हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 16th नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, देखिए फिर से देख लीजिए दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो जानते रहिएगा दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का जो अध्यक्ष जिसे बनाया गया है वो है डीएन पटेल, और डीएन पटेल देखे हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 17th नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूजीसी ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो जानते रहिएगा यूजीसी ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का अध्यक्ष जिसे चुना है वो है प्रोफेसर भूषण पटवर्धन, और देखिए भूषण पटवर्धन है ऑप्शन नंबर बी सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखना है आपको यूजीसी का, चूंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो याद रखना है आपको यूजीसी ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का अध्यक्ष जिसे चूज किया है वो कौन है, प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। फिर आ जाएंगे यहाँ पे 18th नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो जानते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो बनी है माधवी पुरी बुच, तो माधवी पुरी बुच देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएंगे यहाँ पे 19th नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक IDBI के ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो जानते हैं कि भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक जिसे शॉर्ट में हम IDBI कहते हैं ने प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी जो नियुक्त किया है वो है राकेश शर्मा, और राकेश शर्मा दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे यहाँ पे 20 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जिसे नियुक्त किया गया है वो है जी अशोक कुमार, और जी अशोक कुमार देखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 21 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाटा संस ने दूसरी बार ग्रुप का चेयरमैन किसे नियुक्त किया। तो जानते हैं कि टाटा संघ ने दूसरी बार ग्रुप का चेयरमैन जिसे नियुक्त किया है वो है एन चंद्रशेखरन, और एन चंद्रशेखरन देखे हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 22 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि JNU की पहली महिला कुलपति कौन है। तो जानते रहिएगा कि JNU की जो पहली कुलपति जो महिला हैं वो हैं शांतिश्री धूलिपुंड पंडित, और देखिए शांतिश्री धूलिपुंड पंडित देखिए हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 23 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने UGC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। तो जानते रहिएगा शिक्षा मंत्रालय ने UGC जिसे हिंदी में आप कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो चेयरमैन जिसे नियुक्त किया है वो है एम जगदीश कुमार, और एम जगदीश कुमार देखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 24 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो जानते रहिएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं NCERT के नए जो निदेशक जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं दिनेश प्रसाद
सकलानी और दिनेश प्रसाद सकलानी लिखे आए हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 25 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने LIC के चेयरमैन एम आर कुमार का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया दिया गया है, तो कब तक के लिए उन्होंने बढ़ा दिया है। तो जानते हैं कि केंद्र सरकार ने LIC के चेयरमैन जिनका नाम क्या है एम आर कुमार, इनका कार्यकाल जो बढ़ा दिया गया है वो बढ़ा दिया गया मार्च 2023 तक, और मार्च 2023 लिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 26 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया है। तो जानते रहिएगा केंद्र सरकार ने देश का जो मुख्य नया मुख्य आर्थिक सलाहकार जो नियुक्त किया है वो किया है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को, और देखिए डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन लिखे हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 27 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HPCL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन चुने गए हैं। तो जानते रहिएगा HPCL के नए चेयरमैन और प्रबंधक जो चुने गए हैं वो हैं पुष्प कुमार जोशी, और पुष्प कुमार जोशी दिखे हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 28 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं। तो जानते रहिएगा भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के जो नए चेयरपर्सन जो बने हैं वो हैं जानते रहिएगा दिलीप संघानी, और दिलीप संघानी दिखे आए हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 29 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन हैं। तो जानते रहिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंधक जो बने हैं वो हैं याद रखिएगा चंचल कुमार, और चंचल कुमार दिखे हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा देखिए 13 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव कौन हैं। तो जानते रहिएगा इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के जो सचिव हैं वो हैं एम सोमनाथ, और एम सोमनाथ लिखे हैं एस सोमनाथ लिखे हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है कि इसरो के जो नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के जो सचिव हैं वो एस सोमनाथ हैं, और अगर पूछता है कि पहले कौन थे तो के सिवान थे, आपको याद रखना चाहिए। फिर आ जाएंगे यहाँ पे 31 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चूक की जाँच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई। तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए जिनकी अध्यक्षता में जो ये कमेटी बनाई थी याद रखिएगा वो है इंदु मल्होत्रा, और इंदु मल्होत्रा दिखे हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 32 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन हैं। तो जानते रहिएगा इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल्स फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय जो अध्यक्ष हैं वो हैं मोहम्मद बिन सुलमान, और मोहम्मद बिन सुलमान दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए आ जाएंगे क्वेश्चन में, हमारा क्या कह रहा है 33 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल किस बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो जानते रहिएगा RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जिस बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और एशियन देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बैंक की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जो हैं जिस बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो कौन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर आ जाएंगे 34 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन कौन हैं। तो जानते रहिएगा रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन जो हैं वो हैं विनय कुमार त्रिपाठी, और विनय कुमार त्रिपाठी दिखे हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 35 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो जानते रहिएगा भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है वो हैं VS पठानिया, और VS पठानिया दिखे हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आज हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के बखिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को
बखीरा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वैश्विक रामरस स्थल सूची में शामिल किया गया। तो जानते रहिएगा जिस राज्य के बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वैश्विक रामरस स्थल सूची में शामिल किया गया है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में, तुम्हारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस है 36 नंबर यहाँ पे हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो मे भी आपको यहाँ वन बाई वन सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए आज के इतने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।